हिमाचल प्रदेश में BSNL की 5G सुविधा जल्द ही उपलब्ध होने जा रही है। इसके लिए BSNL ने टावर लगाने का कार्य शिमला, सोलन और सिरमौर में आरंभ कर दिया है। सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में नेटवर्क को तेज करने और BSNL की 5G सुविधा देने के लिए कार्य आरंभ हो चुका है, जिसके लिए शिमला, सोलन और सिरमौर में नए टावर लगाए जा रहे हैं। ये टावर उन स्थानों पर लगाए जा रहे हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या आती है। इनके साथ ही 2G, 3G और 4G को भी सुदृढ़ किया जाएगा। कहां से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। लेकिन प्रदेश में अव्यवस्था जरूर फैली, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, पिछले 5 साल तक हमारी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर से बेहतर ढंग से काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार तो हर मोर्चे के ऊपर विफल रही है। BSNL की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम 251 मोबाइल टावर्स लगा रहे हैं, जिसमें 132 टावर लगाने, जिसमें कुछ स्थानों के ऊपर जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाना, वहाँ कनेक्टिविटी शुरू करना, जहाँ 2G है उसको 4G करना, और बहुत जल्दी 5G की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश को BSNL के माध्यम से देने जा रहे हैं। 90 जो है जिला सिरमौर में लगेंगे, 91 जो है 251 सोलन, 71 17 विधानसभा क्षेत्रों में हम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्रों को हम कुछ ना कुछ राशि अवश्य दें, ताकि वहाँ के जो विकास के छोटे छोटे जो काम पंचायतों के हैं उनको हम पूरा कर सकें।